में लगना पड़ता है आपको तो। चार कचौड़ी खाने के लिए 20 मिनट की वेटिंग करनी ही पड़ेगी। 20 मिनट अच्छा, क्योंकि उनके यहाँ भीड़ बहुत होती है। अरे इंसान जो है मुकदमा लड़ता है, मुकदमे का मतलब असली होता है जब मुकदमा, जब तक आदमी का मुंह कदमों में ना आ जाए मुकदमा लड़ते लड़ते, तब तक उसे लड़ते रहना चाहिए। ये और वो जब आता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग चैनल सुमित कांबोज ब्लॉग, और आज दिन है फ्राइडे और अभी टाइम हुआ है 12 o'clock दोपहर के, और अभी मैं आया हूँ टांडे। टांडे आया हूँ बिकॉज क्योंकि मेरे को करना है अपना फॉर्म फिलअप, और आज मेरे को उसको भेजना है। फॉर्म किस चीज़ का? फॉर्म है मेरा बार काउंसिल वाला, जो मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फिल किया है, तो वो मेरे को आज भेजना है इलाहाबाद, तो उसको मैं कराता हूँ कंप्लीट, देन फिर दिखाते हैं आपको आगे का कुछ। और चलिए मिलते हैं, और हमारे साथ आज हैं ये देखिए भाभी वकील, इन्हें तो आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के भाभी वकील हैं, मेरे ब्लॉग के थ्रू आप इन्हें जानते होंगे, ये जो हमारे भाभी वकील हैं बिजनौर के, ये सुप्रीम कोर्ट के हैं, हम हाई कोर्ट के हैं। कोई भी केस किसी भी तरीके का इन्हें आप दे सकते हैं, दोनों को दे सकते हैं, सलूशन आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल जैसे जेम है वो साफ हो जाएगा। भाई मुझे तो देना मत, ठीक है? नहीं मैं तो अभी मना कर रहा हूँ। अरे भाई हाई कोर्ट के पास जाएगा तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो फिर उसे, अरे इंसान जो है मुकदमा लड़ता है, मुकदमे का मतलब असली होता है जब मुकदमा, जब तक आदमी का मुंह कदमों में ना आ जाए मुकदमा लड़ते लड़ते, तब तक उसे लड़ते रहना चाहिए। ये और वो जब आता है, कब आता है मुंह कदमों में? जब आता है जब वो वकील के थ्रू कोर्ट में जाता है। अच्छा इसे कहते हैं मुकदमा। मुंह उसका कदमों में ना आ जाए, भाभी वकील के नहीं, क्लाइंट का, वकील के कदमों में, वकील का जो है बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है। हाँ तो वकील के कदमों में आ जाएगा ना क्लाइंट का। भाई साहब इसे कोई, तुम इस तरीके का वकील बनना, स्टिकली मत लेना, कभी पता लगे कोई मेरे को कारण बताओ नोटिस जारी करता है कोई वकील, डर के चिढ़ गया। नहीं ये हमारा मजाक है भाई, ये हमारा प्रैंक है भाई साहब। एक मिनट इसे देख ले क्या लाइट वो चाहिए ना। चलिए दोस्तों अभी मिलता हूँ आपसे ना। A few moments later. दोस्तों आज का अपना काम ये निपटा दिया हमने, कंप्लीट कर दिया फॉर्म हमने फिल करके, और स्पीड पोस्ट कर दिया, ज़्यादा मैंने दिखाया नहीं, गवर्नमेंट प्लेस पे हम ज़्यादा कैमरा वगैरह लेके नहीं जाते, तो इसमें पोस्ट ऑफिस गया था बेसिकली, तो वहाँ मैंने दिखाया नहीं। मैंने सब्जी ले ली है, और अब मैंने यार एक जगह और दिखानी थी आपकी, पर मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ गया। तो दोस्तों मैंने आज दीपक भाई को टांडे में खिलवा दी है कचौड़ी। दीपक भाई बताओ कैसी कचौड़ी, कैसी थी कचौड़ी? उनकी काफी अच्छी थी हाँ। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि वेटिंग में लगना पड़ता है आपको, तो चार कचौड़ी खाने के लिए 20 मिनट की वेटिंग करनी ही पड़ेगी। 20 मिनट अच्छा, क्योंकि उनके यहाँ भीड़ बहुत होती है हाँ। और कचौड़ी जो मिलती है वो एकदम आपको गर्मा गर्म मिलेगी, हालांकि टेस्टी थी लेकिन स्पाइसी भी थी, स्पाइसी तो एकदम दबा, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनका जो आलू था वो किसी मतलब एक तरह से पाउडर से या किसी रंग से लाल रंग करके, रंग नहीं उसमें वो डालते हैं, सीधा के सीधा वो मिर्च से स्पाइसी हो रखा था। लाल वाली मिर्च कौन सी होती है वो? अरे यार होती तो, अरे देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का शायद, रोम रोम फड़का, इसीलिए मेरे ऊपर के सारे ओट फड़क रहे थे जलन से। भाई साहब जबरदस्त, मतलब जबरदस्त टेस्ट अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट अच्छा है, लगभग हम खा रहे हैं वो कितने साल हुए, ये उस सीजन से खा रहे हैं जब वहाँ 1 रुपए की पूरी मिला, 1 रुपए की मिलती थी एक, आज की डेट में जो है अभी भी अब मिलती है 5 रुपए की एक,
आई थिंक सर 99 के आसपास की बात बता रहे हैं। 99 नहीं, हमने खाई होंगी करीब 2002-03 से मैंने खानी स्टार्ट करी है, 2-3 से, और आज तक भी खाते हैं। बढ़िया है, टेस्ट अच्छा है, बट थोड़ा सा बस एक यही है कि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी हो गई है, 15-20 मिनट से पहले तो नंबर आने का मतलब ही नहीं है, और यही सब चीज रहती है। इसी चक्कर में दोपहर में तो कुछ थोड़ा ज्यादा बैठे थे, शाम में थोड़ा ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर मैं इनकम की बात करूं, भाई साहब तीन भाई और एक पापा उनके लगे रहते हैं भाई साहब दिन भर कचौड़ी ऐसे ही, सोच के देख कितना ऑर्डर नहीं पूरे कर पाते भाई, ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाते वो। और ऐसा नहीं है किसी एक बंदे को रख लें, रखते भी नहीं है, सीख जाएगा इसलिए रखते भी नहीं है किसी को, खुद ही करते हैं चारों बाप बेटा, बस मैनेज उसे। और वकील साहब क्या हो रहा है वैसे? बढ़िया, गाड़ी में बैठ के पूरी है पचा रहे हैं, थोड़ा हिल हिल डुल डुल के। अच्छा, हिल डुल के। अच्छा। गाइस ये है कंबाइन और ये आई है धान काटने के लिए यहाँ पर, क्योंकि लोगों के धान सूख गए हैं, अब बरसात वगैरह थोड़ी कम हुई है, बंद हुई है, तो अब कंपाइन से ही काटवाएंगे लोग। अच्छा जी, यहाँ कुआं बना दिया। तो दोस्तों अब आ गए हैं घर की तरफ और चलते हैं, देखते हैं घर क्या बना है, क्या खाना खाना है। अरे नितेश भाई, तुम कहाँ हमारा माल मसाला ले गए? दिल में दर्द चादक मम्मी, दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। नितेश भाई का साधु मन है। हमारा टैलेंट जो है हमें ही नहीं पता अभी क्या है, जिस दिन पता चलेगा आपको ये बता देंगे क्या। पर जल्दी उभर का आएगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, बस एक दिशा की जरूरत है, दिशाहीन आदमी को जो है ना, आप दिशा मिलनी चाहिए। हाँ, दिशा जब तक दिशा नहीं मिलेगी। यस, यानी अभी आप डिमांड करते हो किस चीज की? दिशा की दिशा की डिमांड करते हैं। अच्छा, आ गए हैं हम अपने घर पर, ये देखिए हमारा घर, और अभी 2 दिन से निकली है धूप, खेतों की हो गई है हालत खराब, लोग अपने इंजन ट्यूबवेल फिर चलाने लगे हैं 2 दिन में ही, इतनी धूप पड़ी, इतनी मतलब लोगों की हालत खराब है। चलिए चलते हैं घर। A few moments later. दोस्तों अभी मैं निकला हूँ जरा घर से आज शाम के टाइम, बिकॉज आज जो घर वालों का थोड़ा सा मन था चाप खाने का, घर वालों को नहीं जो बच्चे लोग हैं उन लोगों का, तो सोचा आज टांडे जा रहा हूँ, वहाँ पे मिलती है एक जगह, तो देखते हैं आज वैसे मिलेगी कि नहीं, क्योंकि आज मार्केट बंद रहता है, एक बार जाके देख लेते हैं, देन फिर आपसे दिखाते हैं कैसे बनेगी, क्या है क्या नहीं, कितना कैसा टेस्ट है। तो गाइस ले आए हैं चाप, और अभी आज जो है बनी थी मूंग की दाल की खिचड़ी दीवारों वाली, तो हमें नहीं खानी थी, तो हम लेके आए चाप, चाप खाएंगे गाइस। नाइन को खिचड़ी पसंद है?
ये और कौन है? और कोई सब्जी? गजब की चाप बनी थी, एक नंबर चाप बनी थी, पर थोड़ी सी महंगी थी, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। और अभी टाइम हुआ है 9:30 रात का, और अब चलते हैं सोने के लिए। आज सारे काम हो गए, मेरा जो फॉर्म था वो भी फिल हो गया। हमारे वकील साहब आए थे बिजनौर से हमारा फॉर्म भरवाने के लिए, तो हमने फॉर्म पूरा कंप्लीट करके और आज भेज दिया, SP पोस्ट किया है, तो 1 से 2 दिन में पहुंच जाएगा। देन उसमें 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस है, एक एमरजेंसी प्रोसेस होता है, उसमें लगभग 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा जाते हैं, पर मेरे को इतना कोई अर्जेंसी थी नहीं, तो मैंने उसे अपना स्टैंडर्ड प्रोसेस से भेजा जैसे होता है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर होने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। अभी लाइट आ रही है यार, आ रही है क्या? हाँ अभी लाइट आ रही है, अब चलते हैं, अब सो लेते हैं, थोड़ा थक गए, फिर मिलते हैं आपसे कल। आज मैं मार्केट गया तो मार्केट से लाया हूँ मैं एक अरबी के पत्ते, उसका बनाते हैं हम लोग बेसन और उसमें मिला के पत्तों का ना बेटर, और बनता है एक पतोड़ा बोलते हैं उसे हम, और गुजरात में उसे पात्रा बोलते, पात्रा। तो लेके आए हैं आज सुबह, मम्मी ने भी उसे बेटर करके लगा दिया, वो मैं ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कैसे क्या करा है, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। ओके, बाय, टेक केयर।